आप पहली जो निकालते हो पूजा करते हो उसकी, है ना जी? हमारे बांके बिहारी जी का भोग लग रहा है। अरे ओह ये तो बहुत भपका सा निकला धुआं यार। रायता ये तो पूरा एरिया नेताओं का, पता नहीं चलता कौन अधिकारी किस रेस में आ रहा है। कोई IAS आ जाते हैं, कोई IPS। एक दिन गाड़ी जाम लग गया था, तो ये आ गई पूरी। राजस्थान में प्याज मांगते हैं, मथुरा वृंदावन में मिर्च प्याज कोई खाता नहीं है। गरम गरम है, आप देखो ये धुआं निकल रहा है इसमें से। एक आदमी तो चाय के साथ खा रहा है, बढ़िया फील लेके। मथुरा वृंदावन दर्शन करने जाते हैं ना लोग, वहाँ बेड़ी का नाश्ता करते हैं। अरे वाह, हमारी ब्रजभाषा है सर। बेड़ी कचौरी वाले जो जयपुर में पहली बार आ गए हैं, मथुरा का स्वाद लेकर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आया हूँ सचिवालय, जो विधानसभा वाली रोड है। आपने अशोक क्लब सुना होगा, अशोक क्लब के पास में ये गली आती है ये, और सहदेव मार्ग है ये। यहाँ पर ये बेड़े कचौरी वाले जो जयपुर में पहली बार आ गए हैं, मथुरा का स्वाद लेकर के। जो मथुरा का नाश्ता और लंच यही होता है वहाँ पे। अगर आप जाओगे मथुरा UP साइड में, झांसी मुरैना, यहाँ पर बेड़े कचौरी का बहुत ज़्यादा चलन है। इसमें एक मोटे आटे की पूड़ी की तरह दाल की पूड़ी बनती है और उसको आलू की सब्जी के साथ बिल्कुल अलग जायका होता है ये। तो आज हम वो जयपुर में खाने आ गए, खाते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते और आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं इनसे कि कैसा है, क्या है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आइए चलिए बात करते हैं, आइए। ये आपका नाम क्या है? अविनाश सर। अविनाश, आप जयपुर से ही हो कि बाहर से? मैं मथुरा वृंदावन से सर। और ये बेड़ी कचौरी भी मेरे ख्याल से मथुरा वृंदावन की ही है ना? यस सर, वहीं से है। तो कैसे आईडिया आया, कैसे आ गए जयपुर? जयपुर सर, हम मथुरा में तो बेड़ी थी मेरी, कहीं बाहर को स्टेप खोलते हैं अपना, तो फिर यहाँ जयपुर में आके खोला। मैं 5 साल हो गई है। 5 साल हो भी गए? तो 5 साल से कैसा रिस्पॉन्स है आपको? सही है, बढ़िया। कितने टाइम में रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था? 6 महीने में। पहले जानते नहीं थे ये क्या है कैसे, जब खाया टेस्ट किया तो लोगों ने आपको बोला हमको अजीब लग रहा है ये क्या चीज़ है? नहीं, मथुरा वृंदावन दर्शन करने जाते हैं ना लोग, वहाँ बेड़ी का नाश्ता करते हैं, तो वहाँ कुछ लोग जानते थे, कुछ लोगों ने एडवर्टाइज किया, हो गया सक्सेस। तो अभी आपकी मतलब क्या क्वांटिटी निकल जाती है? निकल जाती है 200 प्लेट, 200-250 प्लेट निकल जाती है। और एक प्लेट का कॉस्ट कितना होता है? 50 रुपये पर प्लेट, 4 बेड़ी, 1 गिलास रायता, सब्जी सलाद। एक आदमी आराम से पेट भर जाता होगा, मोटा आता है, मैदा नहीं है, प्योर आता है, मोटा दलिया टाइप का। हाँ आता है प्योर। ये वाइट वाइट कैसे है? ये दलिया टाइप में होता है सर, दलिया टाइप में। आप कितने बजे आ जाते हो यहाँ पे? हम 9 बजे आ जाते हैं सर। और 9 से कितने बजे तक रहते हो? 3 बजे तक, दिन को 3 बजे तक बस काम हो जाता है 9 से 3। हाँ सर। और उसके बाद क्या करते हो? कुछ नहीं, आराम करते। आराम करते। और ये दूसरा वाला आटा कौन सा है? ये दाल होती है सर। देखो पहले ये लिया, इसमें दाल, ये दाल डाली और फिर इसका पेड़ा बना लिया। पेड़ा बना, तो ये है मामला मतलब। हाँ सर। ये दाल भी आटे जैसी क्यों लग रही है? ये दाल पिसी हुई है, कुछ दद्दरी है, कुछ मोटी टाइप में। तो आप इसकी तैयारी घर पे कितने बजे कर लेते हो? हम सर 5 बजे रखते हैं सुबह। अच्छा। और 8 बजे तक तैयारी कर लेते हैं। हाँ, तो ये तड़का किस में डालोगे आप? रायता ये वाला। अच्छा, लगाओ 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 यार, बहुत बढ़िया। मतलब यार बिल्कुल ही ये तो तगड़ा ही है मामला। अरे ओह मुझे तो लगा मैं वो दिखाऊंगा। अच्छा एक बार खोलना, ये तो बहुत भपका सा निकला धुआं यार। तो ये छाछ है इसमें, बूंदी है इसमें, तो रायता हो गया और ये छोक लग गया जीरे का। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। अरे वाह यार वाह, मतलब इसमें ये पुदीना उदीना भी डला हुआ है, बढ़िया है। मेथी मसाले, और ये सारे मसाले मथुरा की है क्या? हाँ सर, ये मसाले हम हाथरस से लाते हैं सर। हाथरस, हाथरस भी। अच्छा, सबसे पहले मथुरा किस में आता है? MP में आता है, UP में आता है? UP में आता है सर। UP में आता है ना, क्योंकि मेरा ससुराल है UP, झांसी। झांसी, अच्छा अच्छा। मैं झांसी जाता हूँ तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ। हाँ, ग्वालियर वगैरह चलता है, ग्वालियर मुरैना झांसी और भिंड मुरैना, ये काफ़ी चलता है उस तरफ, ज़्यादा चलता है। और ये सुबह का नाश्ता माना जाता है? सुबह का नाश्ता माना। हाँ जी सर, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये क्या चीज़ है? ये आलू की सब्जी। आलू की सब्जी, अरे वाह यार। तो ये आप इस बर्तन में उतार रहे हो? हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये सब्जी का जो ये है ना कलर, ये हमारे जयपुर में पताशी मिलती है। हाँ। उसके पानी जैसा कलर है, तो थोड़ा समझाओ इसको।
ये ऐसा ये कढ़ाई में बनाई जाती है सब्जी सर, ये सरसों के ऑयल में बनाई जाती है, सरसों के तेल में। इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ती, काली मिर्च, जायफल, लौंग, जावित्री, ये चीज पड़ती है इसमें। और ये आलू की सब्जी होती है और हींग, और इसमें ब्लैक साल्ट पड़ता है, सफेद नमक नहीं पड़ता। तो मतलब जितनी भी चीजें हैं सारी शरीर के लिए अच्छी वाली अच्छी है, इसमें व्हाइट नमक नहीं पड़ता बिल्कुल, इसमें ब्लैक नमक पड़ता है, ब्लैक से ही खट्टा बनाता है और ब्लैक से ही टेस्टी लगती है। तो अभी एक तो ये सब्जी हो गई अपनी, वो बेड़ी कचौरी हो गई सर, और वो छाछ हो गई, इसके अलावा और क्या देते हो? मिर्च देते हैं, प्याज देते हैं साथ में, सलाद देते हैं। राजस्थान में प्याज मांगते हैं, मथुरा वृंदावन में मिर्च प्याज कोई खाता नहीं है। अच्छा, वहाँ पे ये सिंपल चलता है? हाँ, बिना लहसुन प्याज की सब्जी है ये। अच्छा, ये बिना लहसुन प्याज की, कोई लहसुन प्याज नहीं डाला? हाँ। भीड़ लगनी तो स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो गए। सबसे ज्यादा भीड़ किस समय लगती है? सबसे टाइम भीड़ लगती है 11 से लेके 1 बजे तक, 2 बजे तक। 11 तो हो गया नाश्ते वाला टाइम, और 1 से 2 हो गया खाने वाला टाइम। काफी भीड़ रहती है और अच्छी भीड़ रहती है, क्योंकि ये तो पूरा एरिया नेताओं का और ऐसे बड़े अधिकारियों का है। तो कोई ऐसी हस्ती आई आपके पास कभी बेड़े खाने के लिए? काफी को बहुत आते हैं सर, पता नहीं चलता कौन अधिकारी है, कोई IAS आ जाते हैं, कोई IPS। एक दिन गाड़ी जाम लग गया था, उन्होंने फोन किया, पता नहीं था कुछ संभावी आयुक्त थे, तो फिर उन्होंने क्लियर कराया, पता नहीं चलता कौन अधिकारी किस वेज में आ रहा है। चाचा के बिना कौन से जाता कितने टाइम से आ रहे हो पहले? तो मेरे को हो गया 1-2 साल के आसपास। डेली आते हो कि रुक रुक के आते हो? रुक रुक के, डेली तो नहीं, डेली। क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? इनका सारा कुछ ही अच्छा है। एक तो ये है ना कि मोटे आटे की बेड़ी बनाते हैं तो ये ज्यादा नुकसान नहीं करती है सेहत के लिए, ठीक है। मतलब हमने जयपुर के कचौरी समोसे तो बेटर है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये सबसे पहले आप पहली जो निकालते हो पूजा करते हो इसकी, है ना? ये निकाल के आप यहाँ लगा देते हो? जी, हमारे बांके बिहारी जी का भोग लग रहा है। बांके बिहारी जी का भोग लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो ये अब एक साथ कितनी तल देते हो एक बार में? 50-55 एक बार में हो जाती है। ये आपने क्या डाला इसमें सब्जी में? दही क्यों डालते हैं? दही डालने से आमचूर का काम करती है, खट्टा बना जाता है। अच्छा। सब्जी में अच्छी लगती है, टेस्टी। तो मतलब सब्जी वैसे तो थोड़ी तीखी होती है, पर दही डालने के बाद वो अमचूर का काम करती है। हाँ हाँ, दही खट्टापन का काम करती है, खट्टापन का, अच्छी भी लगती है, टेस्टी। पैकिंग भी होती है मतलब यहाँ पे? अच्छा, छाछ भी पैक करा के ले जाते हैं लोग, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, ये जयपुर में एक नया जायका आ गया है बेड़े कचौरी करके, जो कि मथुरा की मशहूर बेड़े कचौरी है, और ये मथुरा, यूपी, मुरैना, झांसी, इन जगहों पे बहुत ही चलन है इसका, और ये जब जयपुर में भी आ गया है। आज हमने इसका वीडियो लिया, बात की इनसे, और पूरा मेकिंग देखा कि कैसे ये कैसे बनाते हैं, कैसे इनके पास कस्टमर आ रहे हैं। अब हम इसको खाएंगे और आपको टेस्ट बताएंगे यहाँ का टेस्ट कैसा है। अरे वाह यार, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो ये दोने में देते हो आप सारी चीजें, है ना? तो ये आलू की सब्जी, ये इसमें दही डाल दिया आपने, अच्छा थोड़ा चटपटा टेस्ट आ जाता होगा। और तो ये हो गई सब्जी, कहाँ रखोगे? हाथ में ले ले, एक बार पकड़ना यार। और अभी ये छाछ, ये हो गया सर रायता, रायता। तो ये हो गया रायता अपना। तो बेड़े ही अपनी बन रही है अभी, है ना? गरम गरम निकलेगी यहाँ से, सुनहरी ब्राउन हो जाती है तब आप निकाल देते हो उसको, बादामी कलर की। तो ये है मिर्ची, है ना? मिर्ची में क्या ये बेसन डला हुआ है क्या? नहीं सर, ये मसाले होते हैं। अच्छा, मसाले डले हुए हैं इसमें, और ये प्याज। ये आपने पहले बड़े डाल दी फिर इसमें ये मिर्ची? अच्छा, खाली मिर्ची से खा रहे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे भी पसंद किया जाता है इसको? अरे वाह, चाय के साथ। अरे यार, ये कॉम्बिनेशन नहीं बताया यार आपने, ये अलग से बनाइए। चलो, ये कॉम्बिनेशन भी ट्राई करेंगे कभी, बहुत बढ़िया है। सही है यार, जिंदगी के मजे ले रहे हो आप सुबह सुबह, सच में। नहीं, अरे वाह, ये सारी निकाल दो एक ही बार में आप। तो ये आ गई पूरी, ये अब हमने तेल लगा रहे हैं सर। ठीक है, तो ये एक प्लेट में दो आती हैं, है ना? एक प्लेट में चार पीस आते हैं ये प्याज हो गई। अच्छा, एक प्लेट में चार पीस आते हैं? वो बाद में दो पहले। अच्छा, मिर्ची हो गई सर, ये मिर्ची हो गई। तो दो पहले दे देते हो, दो बाद में आप दे देते हो?
अच्छा, तो ये है डिटेलिंग इसकी। इसमें ना ये मोटा आटा ऐसे लग रहा है कि इसके ऊपर है ना वो तिल डले हुए हों। नहीं नहीं, तिल है थोड़ी वैसे ही। नहीं नहीं, अच्छा मोटा आटा। थैंक यू सर। तो ये है दोस्तों हमारी बेड़े कचौरी की प्लेट। ये है बेड़े कचौरी, यहाँ पे मिर्ची है और ये है, और मिर्ची और प्याज बोला जाता है राजस्थान में लोग लेते हैं, मथुरा में नहीं, ये चलन नहीं है। और ये है हमारी आलू की सब्जी जिसमें दही भी डाल के दी इन्होंने ऊपर से, आप देख सकते हो इसकी डिटेलिंग इस तरीके की है ये। बाकी अभी खाते हैं और आपको बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। और ये है हमारी छाछ, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जीरा है ऊपर, छोक लगाया था हमारे सामने। तो ये है इनकी बेड़े कचौरी, एक बार इसको तोड़ते हैं, बिल्कुल गरम गरम है, आप देखो ये धुआं निकल रहा है इसमें से, है ना शानदार। और इसके अंदर क्या है देखो मैं आपको दिखाता हूँ डिटेलिंग, अंदर है इसके ये दाल, दाल भी इसमें आटे में डाल करके इसका पेड़ा बना के बनाया जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा। अब गरम गरम है, एक बार इसका इसको रॉ खा के देखते हैं कैसी लगती है। एक आदमी तो चाय के साथ खा रहा है, बढ़िया फील लेके। बिल्कुल क्रंची है, जैसे होता है ना अपन लोग मठरी खाते हैं वैसा सा क्रंच है इसका। अंदर जो दाल है थोड़ी सी फील होगी आपको, हालांकि दाल का टेस्ट इतना नहीं आएगा, अभी तो जैसे मठरी वाला फील आता है वैसा सही आ रहा है। अब अपन इसके साथ खाते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा मिक्स करते हैं, इसके साथ खा के देखते हैं। ये देखिए दो, मैं बताता हूँ आपको टेस्ट है ना, मैंने जब ये दूसरे बर्तन में डाल रहे थे ये सब्जी तब भी बोला था इसका जो रंग है वो पताशी के पानी जैसा लग रहा है। और सच बताओ इसको जब आप खाओगे ना पहले ही बाइट में आपको ऐसा लगेगा पताशी का पानी में जो टेस्ट आता है ना खट्टा वैसा सा ही स्वाद आएगा आपको, ऐसा लगेगा उसी जलजीरे के पानी में आलू की प्रिपरेशन करके ये बनाया गया है, बहुत ही सही स्वाद आ रहा है। सुबह का नाश्ता किया जा सकता है ऐसा, और बिल्कुल अलग है। एक्चुअली जयपुर में अभी तक आपने ऐसा नाश्ता नहीं किया होगा, उसके लिए तो मैं, क्योंकि मैं खुद ही इतने टाइम से जायकों की तलाश में घूम रहा हूँ। तो ये मथुरा का बेड़े कचौरी था नहीं जयपुर में, अभी आ गया है, तो एक बार आप फिर से देखिए। जैसे झोल की सब्जी होती है ना आलू की, वैसी सी झोल की सब्जी है, और इसमें दही ने इसका जो खट्टापन है वो थोड़ा और इन्हेंस कर दिया है। वन मोर बाइट, बहुत ही बढ़िया। मुझे लग नहीं रहा इसके साथ में मिर्ची और प्याज का कोई रोल होना चाहिए, बट राजस्थान है लोग मांग लेते हैं तो इनको रखना पड़ता है, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। तो ये तो था बेड़े कचौरी, रिफ्रेशिंग मठरी जैसी है, और इसको चाय के साथ एक बार ज़रूर खा के देखना जैसे वो खा रहे थे। मैं भी ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे लगता है चाय के साथ बहुत अच्छी लगेगी, और ये दे भी देते हैं अलग से अगर आप बेड़े ही लेना चाहो तो। अब छाछ की बारी है, छाछ की प्रिपरेशन तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और जिस तरह से इन्होंने छोक लगाया था जो धुआं उठा था, टेस्ट करके देख लेते हैं। बिल्कुल खट्टी छाछ होती है ना वैसा सा फील है, और इसमें मिर्ची भी डली हुई है जो कि आपको गले में महसूस होगी जब आप पहला सिप लोगे, और रायते की बूंदी इसमें डली हुई है, और जो मेन रोल और जो मेन स्वाद आपको आएगा ना वो आएगा जीरे का, रिफ्रेशिंग। अगर यही चीज़ गर्मी में मिली होती तो ज़्यादा और ज़्यादा फील आता, बट सर्दी में भी ठीक लग रही है। तो ये था टेस्ट, अब मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, रहा नहीं जा रहा, सुबह का वक्त है, भूख बहुत लगी है, तो मैं फिनिश कर लेता हूँ। ये था नया जायका, मथुरा का जायका जयपुर में, राजस्थान में। आप आइए, आपको जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनका मैं नंबर भी डाल दूंगा क्योंकि मुझे पहली बार में ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, मैं नंबर डाल दूंगा, आप चाहो तो इनको फोन करके भी जा सकते हो। रेटिंग की अगर मैं इसकी बात करूँ तो नाश्ते के मामले में स्क्रीन पे आपको रेटिंग दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग बकायदा ये होनी चाहिए क्योंकि मथुरा का स्वाद है, यूपी का स्वाद है, और यूपी में बहुत चलता है, जयपुर में भी चलेगा क्योंकि स्वाद बहुत बढ़िया है। तो अच्छा, दूसरा, जैसा कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया यूट्यूब पे, वैसे ही आप मेरे इंस्टा हैंडल पे भी जाइए, मैं पिछले 3 महीने से इंस्टा पे भी हूँ, और पहले ही अपडेट दे देता हूँ कहीं अगर मैं जा रहा होता हूँ तो, या फिर उस पर रील्स भी मैं बना के डालता हूँ, तो आप वर्चुअल बंजारा इंस्टाग्राम पे भी जाएं और फॉलो कीजिए। तो देखो यार, हमने अभी बेड़े कचौरी खाई थी, जैसा कि इनकी प्रिपरेशन होती है, जो कॉम्बिनेशन होता है वो खाया था, जो कि बहुत ही सही था, अलग जायका था मथुरा का। अब क्या है, हमारे सामने ना एक इनका ही कस्टमर बेड़े कचौरी लेकर के और चाय के साथ खा रहा था, तो जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे भी वो थोड़ा मठरी सा टेस्ट आया, तो मेरे को भी ये कॉम्बिनेशन खा के देखना था, तो इसलिए चाय मंगवा लिए, भाई साहब से ही मंगवाइए। तो ये है दोबारा, क्रंची होती है एक्चुअली ये, तो आप इसको चाय के साथ कॉफ़ी के साथ अगर लोगे तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाकी देखो भीड़ लग गई है पीछे, तो ये चाय मंगवाइए ये एक बार।
मुझे तो ये तो पता नहीं कि इनका ये मथुरा वाला टेस्ट कब तक चलेगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर ये खोल देना तो चलेगा ही चलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। क्या सही लग रहा है यार, मतलब सर्दी है एक तो, चाय ऊपर इस तरीके की दाल वाली, बिल्कुल पतली कचौरी बोल लो, भेड़ी कचौरी और मोटे आटे की, तो वो ये जो क्रंच आ रहा है ना ये मोटे आटे की वजह से आ रहा है। बहुत बढ़िया यार, चाय के साथ बहुत बढ़िया टेस्ट है। अरे सर, ये कड़क मिर्च के साथ अच्छी लगती है चाय के साथ, जैसे पपड़ी सी, बिल्कुल जैसे वो चाय की दुकान पर देना है पपड़ी सी के, चाय एक पपड़ी दे दो चाय के संग, वही हिसाब है। मतलब यहाँ पे आके आदमी चाय के साथ भी अगर ये लेता है तो बहुत सही, मैंने भी टेस्ट किया, बहुत सही टेस्ट है, अच्छा लग रहा है, करकरी सी। इसके अलावा मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, www.virtualbanjara.com, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ पे भी जाइए अगर आप डिटेल में व्लॉग्स या ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी और जगह, टिल देन बी हैप्पी।